Hello guys, my name is Ansuman Rajans and I passed out of IIT Delhi in Engineering Physics, and in Civil Services 2018 I got All India rank 356 and got IRTS service, that is Indian Railway Traffic Service, and in the same year in the Indian Forest Service examination I got All India rank 11th. And my optional for Civil Service was Physics, and for Indian Forest Service it was Physics and Forestry. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरी जो स्ट्रेटजी रही है राइट फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस के जीएस पेपर्स ऐसे ऑप्शनल, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा, या फिर और उसके साथ में ये भी डिस्कस करूंगा कि क्या एक एक्स्ट्रा एडवांटेज लिया जा सकता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं रिगार्डिंग प्रीलिम्स एंड मेन्स। तो मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम इन ऑर्डर टू यूटिलाइज माय टाइम, और उस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने वेरियस वीडियोस डाली है। फर्स्टली एनवायरमेंट्स रिलेटेड वीडियोस, जो स्टैटिक वीडियोस है, और उसके अलावा करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट्स, और जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, और उसके अलावा मैंने पीटी 365 को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, फ्रॉम पॉलिटी टू इकोनॉमी टू एनवायरमेंट टू सोशल इशूज टू इंटरनेशनल रिलेशंस। और उसके अलावा वेरियस स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोज हैं लाइक GS1, GS2, GS3, GS4, उसके अलावा ऐसे ऑप्शनल्स, प्रीलिम्स, सबकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया इन सेपरेट वीडियोज। और उसके अलावा मैं फिर अब प्रीलिम्स अप्रोच करने वाला है, तो प्रीलिम्स रिलेटेड और फिर मेंस रिलेटेड भी वीडियोस में डालता रहूँगा उस यूट्यूब चैनल पे, और उस यूट्यूब चैनल का नाम है अंशुमान राजहंस, और उसका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा इस पर्टिकुलर वीडियो के। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। प्रीलिम फोकस प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद फर्दर प्रीलिम्स के बाद तो मेंस फोकस प्रिपरेशन ही करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं कि प्रीलिम्स में क्या अप्रोच होनी चाहिए, आप एक्स्ट्रा एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, जीएस में क्या होनी चाहिए, ऑप्शनल में क्या होनी चाहिए, एसए में क्या होनी चाहिए, और उसके अलावा कुछ वेरियस टिप्स जो आप प्रीलिम्स और मेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो जहां तक बात प्रीलिम्स की है, तो प्रीलिम्स में दो इंपॉर्टेंट पिलर है, वन इज रिविजन एंड सेकेंड इज प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट। तो रिविजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके कोर सेक्शन से लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, तो इसको आपने एक बार बेसिक रीडिंग इन सब्जेक्ट्स की कर ली होगी, इन सब्जेक्ट्स का रिविजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर है, डैट इज प्रैक्टिस, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है उनकी प्रैक्टिस करनी है, साथ में किसी भी कोचिंग, जिस कोचिंग आपको लगता है कि वहाँ पे क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस कोचिंग के मॉक टेस्ट को भी प्रैक्टिस करना है। और उसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि उनका प्रीलिम्स का स्कोर अच्छा आ रहा है, लेकिन फर्दर उनको अपना स्कोर को बूस्ट करना है, तो क्या वो क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं। तो एक एस्पेक्ट होता है कि आपका कोई पर्टिकुलर एरिया वीक होगा, मे बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीक होगा, मे बी कल्चर सेक्शन वीक होगा, मे बी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन वीक होगा, तो जो भी आपका वीक एरियाज है आप उन पे फोकस करें। इतना आपको इंश्योर करना है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में इजी टू मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन आए वो एटलीस्ट आप सही से अटेम्प्ट कर लें। उसके अलावा कुछ एरियाज काफ़ी रिपीटेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कल्चर की बात करूँ तो जैनिज्म बुद्धिज्म से हर साल सवाल आता है, हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है किसने स्टार्ट किया, इससे रिलेटेड सवाल हर साल आता है। उसके अलावा भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड सवाल हर साल आता है। ज्योग्राफी में इंडिया के रिवर सिस्टम से रिलेटेड, माउंटेन सिस्टम से रिलेटेड सवाल हर साल आता है। पॉलिटी में लगभग 16 से 17 सवाल आएगा, और वो आपने अगर लक्ष्मीकांत अच्छे से कर लिया तो 16 से 17 सवाल, जितने भी सवाल आएंगे आप उसको सही से अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा फिर इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड 5-6 सवाल हर साल आता है, 2-3 सवाल मिनिस्ट्री के नॉलेज से रिलेटेड हर साल आएगा, फिर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो पब्लिश होती है तो उससे 1 या 2 सवाल हर साल आएगा कि ये रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है। उसके अलावा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट सेक्शन में 3-4 सवाल इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ इंडिया से रिलेटेड या टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क से रिलेटेड होते ही होते हैं। तो ये सब रिपीटेड एरियाज हैं, इन एरियाज से रिलेटेड यूपीएससी हर साल कुछ ना कुछ सवाल पूछता ही है, तो ये एरियाज आपका वीक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप ट्राई करें कि आप ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर सकें, अगर आप 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो ट्राई कि आप 85-90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अब मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको सारे के सारे सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि आप जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर सके उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा आपको स्मार्ट गेस वर्क की स्ट्रेटजी को भी डेवलप करना होगा।
आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे कोचिंग के, या फिर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करेंगे, तो जो स्मार्ट गेसवर्क की जो स्किल है वो आसानी से डेवलप हो जाएगी। मैं स्मार्ट गेसवर्क से ये कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा रिजर्वॉयर या लेक मैन मेड है, तो कुछ ऑप्शन थे कोलेरू लेक, चिलिका लेक, सांबर लेक और एक था कोडाईकनाल लेक। अब कोडाईकनाल में जो कनल वर्ड है वो कैनाल से आया है एंड कैनाल इज आर्टिफिशियल, तो ज्यादा चांस है कि कोडाईकनाल लेक जो है वो आर्टिफिशियल होगा। अब ये आपको नहीं भी पता है लेकिन फिर भी आप आंसर निकाल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्मार्ट गेस वर्क। तो ये स्मार्ट गेस वर्क की स्किल को भी इनकलकेट करना, डेवलप करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, और वो तभी आप डेवलप कर पाओगे जब आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इस एटीट्यूड से सॉल्व करोगे कि आपको अगर आधा अधूरा पता होता या थोड़ा कम भी पता होता तो भी आप कैसे आंसर निकाल सकते थे। तो ये सारे सवाल पे तो नहीं लगाया जा सकता लेकिन जितने भी सवाल पे लगाया जा सकता है अगर आपने ये स्किल डेवलप कर ली तो आपको एक ऑप्टिमम रिजल्ट ही मिलेगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी आप प्रीलिम्स रिलेटेड की, दो इंपॉर्टेंट पिलर जो है रिवीजन और मॉक टेस्ट देना, ये मैंने डिस्कस कर लिया, और फिर उसके अलावा आप अलग से क्या कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर चांसेस और इंक्रीज मार्क्स इन प्रीलिम्स। उसके अलावा प्रीलिम्स में कट ऑफ को अच्छे से क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि होगा क्या कि अगर आप कट ऑफ के आसपास होवर कर रहे हैं, इनफैक्ट आपका प्रीलिम्स निकल भी जाए लेकिन प्रीलिम्स के एक महीने बाद का जो टाइम होता है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप यही सोचोगे कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा और उसी में एक महीना चला जाता है और काफी अच्छा खासा टाइम चला जाता है। तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि जितना भी कट ऑफ आ रहा है तो उससे आप एटलीस्ट 10-15 मार्क्स ज्यादा लाएं, ताकि आपको वो अनसर्टेनिटी नहीं हो कि आपका होगा या नहीं होगा, ताकि आप प्रीलिम्स के एक या दो दिन बाद ही आप अपनी मेंस की तैयारी अच्छे से शुरू कर दो। अब उसके अलावा जैसे ही आपका प्रीलिम्स खत्म होगा तो होता क्या है कि आप एक हफ्ता का लगभग रेस्ट ले लेते हैं, तो आप 2-3 दिन का रेस्ट ऑप्टिमम है, उतना जरूर लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर आप अपने ऑप्शनल्स की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि होगा क्या कि आप 2 महीना केवल प्रीलिम फोकस प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो जनरल स्टडीज के तो टच में होंगे ऑब्वियसली, लेकिन ऑप्शनल से टच हट जाता है तो उसके चलते ऑप्शनल में कॉन्फिडेंस आना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने ऑप्शनल को एक हफ्ते तक रिवाइज कर सकते हैं जस्ट आफ्टर द प्रीलिम्स, और उसके बाद फिर आप पर्टिकुलरली मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मेंस प्रिपरेशन को मैं सेपरेट हेड्स में डिस्कस करता हूँ, स्ट्रेटजी फॉर जीएस पेपर्स, स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शनल और एसे। तो सबसे पहले मैं जीएस पेपर्स के बारे में बात करता हूँ। तो जीएस पेपर्स में आपका 4 इंपॉर्टेंट पिलर होता है, एक आपका नोट्स बनाना, दूसरा आंसर राइटिंग, तीसरा करंट अफेयर्स और चौथा आपका जो फाइनल रिविजन होता है। अब नोट्स मेकिंग की जहां तक बात है तो नोट्स आपके प्रीलिम्स से पहले ही कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसका ये रीजन है कि फिर इस बार 3 महीने मिल रहे हैं आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, जो आपका लास्ट महीना होगा वो आपका फाइनल रिवीजन में ही जाएगा, तो आपको इफेक्टिवली 2 महीने मिल रहे हैं। अब 2 महीने में रफली मान लीजिए 1 महीना आपको ऑप्शनल के लिए मिला है, 1 महीना आपको जनरल स्टडीज के लिए मिला है, तो अब 1 महीना आपको जनरल स्टडीज के लिए मिला है तो उसमें आप नोट्स भी बना लेंगे, आंसर राइटिंग भी कर लेंगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ लेंगे, वो भी 4 पेपर का, तो वो पॉसिबल फिजिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपका जो सेल्फ मेड नोट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंटेंट फाइनली वहीं से आएगा, वही चीज को आप बार बार रिवाइज करोगे तभी मेंस के उस प्रेशर में आप अच्छा सा कंटेंट लिख पाओगे। तो सेल्फ मेड नोट्स बनाना तो काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रीलिम्स के बाद उतना टाइम नहीं होगा, तो इसलिए बेनिफिशियल होगा कि आप जो सेल्फ मेड नोट्स बना रहे हो वो प्रीलिम्स से पहले ही बना लो। लेकिन कुछ ऑफ ट्रैक टॉपिक्स जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ या फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ, इनका अगर नोट्स बनाना छूट गया है तो उतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हो। लेकिन जो बड़े बड़े सेक्शन है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स, इनके सेल्फ मेड नोट्स आपके प्रीलिम्स से पहले बन जाने चाहिए। अब जहां तक नोट्स बनाने की बात है कितना टाइम लगता है, तो रफली मैं कहूंगा आप अगर 4 पेपर का नोट्स बना रहे हो तो ऑन एन एवरेज 1 मंथ पर पेपर आपको लगेगा, लगभग आपको 4 महीने, 3 से 4 महीने तो एटलीस्ट अच्छा सा नोट्स बनाने में तो लग ही जाएंगे। तो कुछ नोट्स आपने जो बना लिया होगा जिस टॉपिक के छूट रहे हैं तो डेफिनेटली आप जल्दी आप अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होता है मेन्स एंगल से, क्योंकि उसी चीज को आप अपडेट करोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो कंटेंट आपके फिंगर टिप्स पे आएगा। आप कितना भी पढ़ लो उससे आपका कंटेंट फिंगर टिप्स पे नहीं आता है। रही बात कि आपको किस सोर्स से नोट्स बनाना है, तो सबसे पहले आप बेसिक रीडिंग करोगे किसी भी बेसिक बुक से, वो एनसीईआरटी हो सकती है या फिर अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो तो वो स्पेक्ट्रम हो सकती है। उसके बाद आपने एक बार बेसिक रीडिंग कर ली है तो उसके बाद आपको आइडिया है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके बाद जो आपने बेसिक बुक पढ़ी है साथ में कोचिंग मटेरियल, 2-3 और सोर्सेज को रेफर करके आप एक कंप्रिहेंसिव नोट्स बना सकते हो। नोट्स का नेचर ऐसा होना चाहिए कि दैट इट शुड बी कंप्रिहेंसिव एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी कॉन्साइज ऑल्सो। और मेरा कंप्रिहेंसिव बोलने का ये मतलब है कि जो भी चीज़ आपने पढ़ी है, जो आपको लगता है भूल जाओगे या फिर कोई भी आप इशू आपने पढ़ा है, फॉर एग्जांपल ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, तो उसका कॉजेस क्या क्या थे उस रिवोल्ट के लिए,
what were the reasons for the failure? What was the nature of the revolt? और व्हाट वेयर द एक्शंस दैट वेर डन बाय द ब्रिटिशर्स जस्ट आफ्टर द रिवोल्ट. आपने सबको चार पांच पॉइंट में अगर अपने नोट्स में डाला है तो ये नोट्स काफी कंप्रिहेंसिव है कि इसके बाद आपको बुक रेफर करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन एट द सेम टाइम वो स्मॉल या फिर कॉन्साइज भी होना चाहिए ताकि नोट्स का लेंथ इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आप एंड टाइम पे उसको रिवाइज नहीं कर पाओ. अब नोट्स का एम्बियंट लेंथ जो होना चाहिए डैट शुड बी 100 पेजेस पर जीएस पेपर. तो आपके चार जीएस पेपर है तो रफली 400 पेजेस के आपके जीएस के नोट्स हो जाएंगे, 300 पेजेस के आपके ऑप्शनल के नोट्स हो जाएंगे और 100 पेजेस में कुछ आपके एसे के और करंट अफेयर्स के नोट्स हो जाएंगे. तो रफली अराउंड 800 टू 900 पेजेस के आपके नोट्स होंगे जिसको आप दो बार एटलीस्ट रिवाइज करोगे लास्ट मंथ में, दैट इज इन द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर दिस ईयर मेंस. तो इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए नोट्स कि आप इन टाइम में वो रिवाइज करना मुश्किल है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको कॉम्प्रिहेंसिव भी रखना है. तो आप ट्राई करें कि आपका नोट्स बनाने का काम प्रीलिम्स से पहले हो जाए. उसके बाद जैसे आपका नोट्स बन चुका है तो राइट आफ्टर द प्रीलिम्स आपको क्या करना है कि उन नोट्स को रिवाइज करना है. आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, नोट्स को रिवाइज करके आपको जाके टेस्ट देना है, फिर आपको टेस्ट का परफॉर्मेंस एनालाइज करना है. तो आपका यही काम रहेगा जस्ट आफ्टर द मेंस, बोथ फॉर जीएस पेपर्स एंड ऑप्शनल्स. और आंसर राइटिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपको एटलीस्ट इंश्योर करना है कि एटलीस्ट आपने 500 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस किए ही हैं बिफोर द मेंस, 500 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग ऑल जीएस 1, 2, 3, 4. तो चारों पेपर्स को आपने मिला के अगर रफली 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, दैट इज मोर देन इनफ टू गिव यू एन आइडिया अबाउट आंसर राइटिंग. आपकी आंसर राइटिंग आफ्टर राइटिंग 500 क्वेश्चंस एक अलग लेवल की होगी. और जहां तक मैं आंसर राइटिंग की बात करता हूं तो उसमें तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं. एक हो गया आपका कंटेंट. वो कंटेंट आपका तभी आएगा जब आपने नोट्स बनाए और उस नोट्स को बार बार आपने रिवाइज किया है. द सेकंड एस्पेक्ट इज टाइमिंग फैक्टर, कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार आप सुनते होंगे कि बहुत लोगों के एक या दो सवाल जीएस पेपर्स में छूट जाते हैं. वो मेनली बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट होता है. तो आपको अच्छा एक टाइम मैनेजमेंट करना. अगर आप 500 सवाल लिख चुके हैं तो आप उस लेवल में होंगे कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा. उसके अलावा जो तीसरा पिलर होता है डेट इज स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन. तो आपको धीरे धीरे जैसे ही आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, ये सब धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा और ये इंप्रूव करना काफी इंपॉर्टेंट है. एंड डू ज्वाइन टेस्ट सीरीज. अगर आप कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करते हो तो उतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना. उससे फायदा ये होता है कि वहाँ एक स्केड्यूल होता है और उस स्केड्यूल के मुताबिक आप जो भी पेपर आपका टेस्ट होने वाला है उसको आप रिवाइज करोगे, फिर रिवाइज करने के बाद जाके टेस्ट दोगे, फिर उसके बाद टेस्ट को एनालाइज करोगे. तो एक कंप्रिहेंसिव प्रोसेस होता है रिविजन का, साथ में टेस्ट लिखने का, टेस्ट को एनालाइज करने का. तो सारी चीज़ें आपकी चलती रहती है. नोट्स में आपने बना लिया, रिविजन भी हो रहा है, आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं. उसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर होता है डेट इज अबाउट करंट अफेयर्स. तो मैंने नोट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, आंसर राइटिंग के बारे में डिस्कस कर लिया. तीसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर होता है वो करंट अफेयर्स का. अब प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स आप किसी भी कोचिंग को अगर फॉलो करते हो, जैसे मैंने PT365 को फॉलो किया था, तो वो डेट इज मोर देन इनफ. अब मेंस के एंगल से अगर करंट अफेयर्स दो तरीके से यूज होता है. एक होता है डायरेक्टली करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ही पूछा जाए. फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ मेकिंग आर्टिकल 370 अनऑपरेशनल इन जम्मू एंड कश्मीर. तो ये डायरेक्ट सवाल है करंट अफेयर्स से. और दूसरा जो यूज होता है करंट अफेयर्स का वो होता है कि कोई एक स्टैटिक क्वेश्चन हो. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैन कम इन जीएस पेपर 3 अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ. और ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो अपने आप जो आपने नोट्स में प्रिपेयर कर रखा होगा उसके कंटेंट से आप आंसर करोगे. लेकिन आपने अगर किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इंडिया की रैंकिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स में इतनी है, या फिर इंडिया का जीनी कोफिशिएंट अभी इतना है, कुछ टाइम पहले इतना था, अभी और इनइक्वलिटी बढ़ रही है, आपने कुछ भी पढ़ा, तो उस चीज़ को आप एज ए फॉडर मटेरियल यूज़ कर सकते हो इन राइटिंग आंसर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चंस. तो जब भी आप न्यूज़पेपर में कुछ फॉडर मटेरियल आप देखते हो और आपको लगता है ये किसी सवाल में आप यूज़ कर सकते हो किसी स्टैटिक क्वेश्चन में, तो देन एंड देयर ओनली आप क्या करो कि आपका जो स्टैटिक का नोट्स है वहीं पर आप अपडेट कर लो. तभी आप फाइनल एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है तो आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाओगे. अब दूसरी बात जहाँ तक रही जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर्स से, उसमें क्या है कि रफली आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और एक मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो, तो आपके पास कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है. लेकिन जहां तक आप बात देखोगे करंट अफेयर्स की, तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में ही जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स से. तो आप जिस समय जैसे प्रीलिम्स हो गया, मेंस आने वाला है, तो मेंस के एक या दो महीने पहले आप लास्ट 2 ईयर्स के इंपॉर्टेंट इशूज देखोगे जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से रिलेटेड. तो मुश्किल से 15 इशू इंपॉर्टेंट होगा जीएस पेपर 2 का, 15 इशू इंपॉर्टेंट होगा जीएस पेपर 3 का. तो कुल मिला के आप 30 इंपॉर्टेंट इशूज को सेलेक्ट करोगे और बोथ इंक्लूडिंग जीएस पेपर 2 एंड 3, और उन
30 टॉपिक्स के आप 2 से 3 पन्ने के नोट्स बना लोगे। जब आप आफ्टर प्रीलिम्स बनाओगे तो उस समय आपके पास कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होगी अबाउट दोज इंपॉर्टेंट 30 टॉपिक्स, तो आप कंप्रिहेंसिव वे में नोट्स भी बना लोगे और आपका करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाएगा अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स से। क्योंकि यूपीएससी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछ रही है तो कोई वेग सवाल नहीं पूछेगी, वो वही इशू को उठाएगी जो काफी इंपॉर्टेंट था। आर्टिकल 370 हो सकता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो सकता है, COVID-19 का इशू हो सकता है, इकोनॉमिक स्लोडाउन का इशू हो सकता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू, वही पूछा जाएगा। तो आप 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट कर सकते हो, उसको कंप्रिहेंसिवली एनालाइज कर सकते हो, वेरियस कोचिंग मटेरियल्स के मटेरियल को कंसल्ट कर सकते हो और कंप्रिहेंसिव वे में वो 30 टॉपिक्स के 2 से 3 पन्ने के आप नोट्स बना सकते हो। डैट विल बी मोर देन इनफ फॉर टैकलिंग दोज डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द करेंट अफेयर्स। उसके अलावा जो आपका लास्ट मंथ होगा, इस बार जैसे आपका मेंस जनवरी के फर्स्ट वीक में है, तो जो आपका लास्ट मंथ होगा दिसंबर का मंथ, वो आपका रिजर्व्ड होगा फॉर फाइनल रिवीजन। तो उसमें आप ऑप्शनल और जीएस पेपर दोनों को रिवाइज करोगे और लास्ट मंथ में केवल रिवीजन होना चाहिए, आपको नई चीज़ें नहीं पढ़नी, आपको ज़्यादा टेस्ट नहीं देना है। आप टेस्ट दे सकते हो हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको रिवीजन पे करना है। आप मान के चल सकते हो 15 दिन में आपको ऑप्शनल को रिवाइज करना है और 15 दिन में आपको जीएस पेपर्स को रिवाइज करना है। तो आपके लगभग 800 से 900 पन्ने के नोट्स हैं जो मैंने नोट्स मेकिंग में डिस्कस किया, तो उस 900 पन्ने के नोट्स को एटलीस्ट आपको 2 बार रिवाइज करना है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो ये रफली जीएस की स्ट्रैटेजी हुई, और ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी को मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हर किसी का ऑप्शनल अलग अलग होगा। और मैंने ऑप्शनल की जो अब मेरा जो ऑप्शनल था वो फिजिक्स था, तो फिजिक्स ऑप्शनल और साइंस ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी मैंने अपने चैनल पे इन डेप्थ वे में डिस्कस कर लिया। तो अगर आपको फिजिक्स ऑप्शनल के बारे में देखना है तो डेफिनेटली यू कैन वॉच डैट वीडियो ऑन माई चैनल। और उसके अलावा मेन जो इंपॉर्टेंट इशू होता है ऑप्शनल के रिगार्डिंग, कि आपको बैलेंस कैसे करना है जीएस को और ऑप्शनल को, तो ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी की आपको 50% टाइम आप ऑप्शनल को दे सकते हो, 50% टाइम आप जीएस पेपर्स को दे सकते हो। लेकिन अब इतना भी स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है, कि हो सकता है कि आपका जो ऑप्शनल हो वो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो और यू कैन बी वेरी मच कॉन्फिडेंट इन योर ऑप्शनल, तो हो सकता है आप 60-65% टाइम आप जनरल स्टडीज को दे सकते हो, बाद बाकी टाइम आप ऑप्शनल को दे सकते हो। तो इस तरह आप टाइम डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद जो स्ट्रैटेजी जीएस पेपर्स के लिए है, जैसे नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, रिवीजन, वो चीज़ आपके ऑप्शनल्स के लिए भी वैलिड होगी। और रफली मेरा मानना है कि आपको एटलीस्ट 40 टेस्ट देने चाहिए, अगर स्पेशली आप अगर फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, 25 टेस्ट के आसपास आपके जनरल स्टडीज़ के होंगे, 15 टेस्ट इंक्लूड होंगे जिसमें 10 आप ऑप्शनल के दोगे और 5 रफली आप एसे के दोगे। तो 40 टेस्ट अगर आप कवर करते हो तो रफली आपका जीएस पेपर्स, ऑप्शनल और एसे अच्छे से कवर हो जाएगा। अब रही बात एसे पेपर की, तो एसे पेपर सबसे कम टाइम डिमांड करता है, लेकिन आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो मार्क्स जो मिलता है उसमें भी डाइवर्जेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली यू कैनॉट नेगलेक्ट। और एसे लास्ट 2 साल से ऐसे आ रहे हैं कि एक सेक्शन में देर विल बी फुल ऑफ फिलोसॉफिकल एसेज और एक सेक्शन विल बी फुल ऑफ जीएस रिलेटेड एसेज। तो जो फिलोसॉफिकल एसेज हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और उनके प्रैक्टिस के लिए द बेस्ट बेट इज कि जो यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में जो फिलोसॉफिकल एसेज पूछे हैं आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, डैट विल बी द बेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इट। और उसके अलावा कुछ एक सेक्शन में जीएस रिलेटेड एसेज आते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन कुछ अलग से आपको नहीं पढ़ना होगा क्योंकि जो आप जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 की तैयारी करेंगे वो आपको एसे में भी काम आएगी। और उसके अलावा कुछ बहुत वाइडली आस्क्ड टॉपिक्स होते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज, या फिर यूज एंड मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इशूज रिलेटेड, इशूज पर्टेनिंग टू द फेडरल मॉडल ऑफ इंडिया, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज मिसयूज, तो ये, या एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, तो ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड यूपीएससी हर साल एक ना एक टॉपिक तो पूछ ही लेती है। तो अगर ये 7-8 टॉपिक को आप अगर डिटेल में पढ़ लेते हो और इनसे रिलेटेड एक फ्रेमवर्क ऐसे प्रिपेयर कर लेते हो तो एक ना एक टॉपिक तो आपका फंस ही जाएगा। जैसे 2017 में इंडियन एग्रीकल्चर पे आया था, इवन वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड भी था, मॉडर्न वुमेन मिथ इन इंडिया कुछ करके एक टॉपिक था, जो वुमेन एम्पावरमेंट का ऐसे आपने अगर अच्छे से प्रिपेयर किया है तो यू कैन ईजिली आंसर डैट ऐसे। उसके अलावा 2018 में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ऐसे था, 19 में हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड था, तो ये सब टॉपिक्स को आप अच्छे से अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो एक ना एक कॉमन टॉपिक तो आपका फंस ही जाएगा। तो ये 7-8 जो होलिस्टिक टॉपिक है उसको आप कंप्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू। और रफली मैंने जो स्ट्रैटेजी डिस्कस की, तो आप जुलाई मंथ को यूज़ कर सकते हो मेंस एंगल के लिए,
ऑप्शनल पढ़ने के लिए या फिर जो भी टॉपिक आपका छूट गया है जहाँ पे आपका नोट्स बनाना अभी भी बाकी है, अगस्त सितंबर आप प्रिलिम फोकस्ड प्रिपरेशन कीजिए, और उसके अलावा आफ्टर प्रिलिम्स जो मंथ होगा आपका अक्टूबर और नवंबर का, वहाँ पे आपको रिवीजन करना है, टेस्ट देने हैं और टेस्ट के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है फॉर बोथ जीएस पेपर्स एंड ऑप्शनल्स। दिसंबर मंथ में आपको फाइनल रिवीजन करना है। उसके अलावा कुछ अगर मैं फाइनल टिप अगर मेंस एंगल से अगर देना चाहूँगा तो डेफिनेटली जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर सोचिए, क्योंकि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, आपने सारे पेजेस को सही से फिलअप किया होगा, आपने सबटाइटल बना के आंसर किया होगा, आपके आंसर में वेरियस कीवर्ड्स होंगे, डायग्राम्स होंगे, तो डेफिनेटली चेक करने से पहले ही एग्जामिनर को लग जाएगा कि आपकी कॉपी काफ़ी अच्छी है, इट इज़ द बेस्ट कॉपी इन द लॉट, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे वहाँ पे। और उसके अलावा कंटेंट को इनरिच करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए डेफिनेटली नोट्स जो आपने नोट्स बनाए उसको अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे डैट विल हेल्प अ लॉट, और लास्ट टाइम रिविजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसके अलावा कुछ जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है, जैसे आपने कुछ स्कीम्स का नाम लिखा, कुछ फैक्ट्स लिखे, करंट अफेयर्स को कोट किया, या फिर कुछ कमिटी के नाम को आपने कोट किया, पॉलिटी की अगर बात है तो उसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट केसेस या फिर कुछ कमिटी के नाम को कोट किया, या फिर अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो आपने ग्राफ बनाया, कुछ फैक्ट्स पेश किए, या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर IMF की कुछ रिपोर्ट्स को आपने अगर कोट किया, नीति आयोग को कोट किया, प्लानिंग कमीशन को कोट किया, या फिर कहीं कहीं जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे आपने सेकंड ARC को कोट किया, तो ये सब काम अगर आप कर रहे हैं, SDGs को कोट किया, तो ये सब काम अगर आप कर रहे हैं तो आपका आंसर में एक एक्स्ट्रा कंटेंट आता है जिसके चलते आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। तो मैंने प्रिलिम्स के एंगल से, मेंस के एंगल से अपनी जो स्ट्रैटेजी थी या जो मैं बता सकता तो उसको होलिस्टिक वे में डिस्कस कर लिया है, और GS1, GS2, GS3, GS4 या फिर एस से या फिर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आप डिटेल में अगर आप मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी वो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अंशुमान राजन्स। सो थैंक यू, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो।